बूंद सी पड़ रही है, ठंड तो नहीं पड़ रही है कि कुत्ता भी ताप रहा है भाई। तो अभी हम लोग बनाएंगे मुर्गों को बैठने के लिए नीचे जमीन पे प्लेटफॉर्म। तो भाई सामने बनाया है स्टैंड को, और अभी टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे 12.5। चुका हूँ मैं घर और मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने के लिए। भाई गाड़ी वाला कहाँ लेके आ रहा है, उसको पता ही नहीं है कहाँ चल रही है गाड़ी। एक गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ी हुई है, जस्ट अभी पीछे जो निकला बलेनो थी गाड़ी, मतलब घुसते ही यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी रात के बज रहे हैं 12:15। इधर हमारे पैर हैं, इधर मैं खुद हूँ। सुबह सुबह एक छोटा सा नुकसान हो चुका है। अभी घर आके मैं तैयार होके खाना पीना खा के निकल चुका हूँ मैं अभी मार्केट के लिए। तो मैं निकल चुका हूँ दोबारा से तालाब के लिए, और ये गाड़ी दिख रही है क्योंकि हमारे आगे आगे चल रही है, आगे चल रहा है ट्रक, ट्रक जा रहा है कोहरे को फाड़ता हुआ। तो वही यहाँ पे भी एक्सीडेंट हो चुका है। और ये क्या हुआ है भाई, कल नया कांटा लेके आया था वो भी अभी मैंने कस दिया है। अभी सूर्य देव के दर्शन हो चुके हैं, जल अभी यहाँ तक पहुँच चुका है। कल के लिए अभी से ही तैयारी हो रही है, अभी से काम हो रहा है। रोटी सेकने पे हाथ जल ले, अब तो सही है। आज का मौसम बड़ा ही साफ। अभी हो चुकी है रात और मैं निकल चुका हूँ दोबारा से तालाब के लिए, और बहुत ही ज्यादा कोहरा हो रहा है। अभी 9 बजे है, उसके बावजूद भी इतना ज्यादा कोहरा है। जस्ट अभी पीछे मेरे गाड़ी निकली थी, तो निकली क्या थी, मतलब डिवाइडर पर चढ़ी हुई है, एक्सीडेंट हो चुका है दोनों गाड़ियों का। अब एक को बचाने के चक्कर में दूसरी चढ़ी है या एक के बाद एक चढ़ी है कुछ पता नहीं है, डिवाइडर के ऊपर चढ़ी हुई है। तो एक इधर को मतलब इधर जाते में जब चढ़ी है और एक उधर से आते में चढ़ी है, ऐसा लग रहा है मुझे कोई रूटन वगैरह ले रहा होगा तो तभी चढ़ी है वो। सारे लोग बाहर बैठे, नई नई गाड़ियाँ थी, एक तो स्विफ्ट थी, दूसरी गाड़ी पता नहीं कौन सी थी, मैंने देख नहीं पाया। और अभी भाई कोहरा देखो सामने, बस ये गाड़ी दिख रही है क्योंकि हमारे आगे आगे चल रही है, आगे चल रहा है ट्रक, ट्रक जा रहा है कोहरे को फाड़ता हुआ, वरना कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वैसे बहुत बुरा हाल है भाई, अभी रिस्क बहुत है भाई। तो पहले पहुँचते हैं हम तालाब पे, और आज मैं लेके आया हूँ भाई नया कैप, नया अपना सेट लेके आया हूँ पूरा, क्योंकि कल रात हुआ ऐसा था कि भाई मैं रख के सोया था अपनी सीट पर ही, अपनी टोपे को बढ़िया तरीके से, और बढ़िया था यार वो, लॉन्ग वाला था, और रख के सोया। पता नहीं मैं रात को उतरा था, 12 बजे करीबन मैं बाहर उतरा था, मैं इतना अंधेरा हो रहा था, कुछ दिखाई तो दे रहा नहीं था, सीट पर रखा था, सीट पर से मैं पहले बैठ गया जब उतरा था तो वो गिर गया बाहर। सुबह लेबर आई, लेबर ने उठा लिया और लेबर ने दिया ही नहीं वो। चलो कोई बात नहीं, किसी गरीब के काम आ जाएगा। और भैया मैं तो ले के आ चुका हूँ अपने लिए दूसरा, ये भी ठीक है, बढ़िया हल्का है। यहाँ रुक चुकी है गाड़ी, पर क्यों रुकी है ये पता नहीं है अभी। तो भाई यहाँ पर भी एक्सीडेंट हो चुका है, और ये क्या हुआ है भाई, ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है। जैसा कि मैं बता रहा था, ये देखो ट्रक जा रहा है कोहरे को फाड़ता हुआ, इसीलिए जो आसपास है जैसे हवा के साथ में कोहरा उड़ उड़ के आ रहा है, और लेफ्ट साइड में तो खूब दबा के है ये कोहरा। अभी पहुंच चुका हूं मैं तालाब पे, बड़ा मुश्किल से, वो भी बहुत ही ज़्यादा कोहरा था और बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट मिले रास्ते में। तो अभी हम मुर्गा फार्म के अंदर घुसे हुए हैं, इसमें लगाई हैं लकड़ियाँ, और ये देखो अलग कहाँ सो रहे हैं ये दोनों, ये लोग ऊपर सो रहे हैं, कुछ इधर सो रहे हैं, कुछ इधर सो रहे हैं भट्टी से चिपक के। और अभी 2 मर चुके हैं इसमें से, कोहरा इतना हो रहा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अभी देख सकते हो। और मैं डकैतों की तरह घूम रहा हूँ, रोडों पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो भाई अभी सो जाते हैं। तो भाई अभी अपना जो बिस्तर है वो लग चुका है, और अभी अभी अपनी आवाज़ अभी अपनी आवाज़ जो है वो होने लगी है चेंज, बिस्तर बिछ चुका है। तो भाई आज मैं नया कैप लेके आया हूँ, अपना पूरा सेट लेके आया हूँ मैंने, इसलिए उतार के अपना बैग में रख दिया है क्योंकि कल रात भी ऐसे कुछ सीन हो गया था, बाहर गिर गया और लेबर ने उठा लिया, गायब हो चुका है। तो भाई अभी नया लेके आया हूँ, अभी तो नहीं खोना चाहिए वो, इसलिए भाई बैग में मैंने संभाल के रख दिया, सुबह ही निकालूंगा। तो भाई पहले कम्बल खोलूँगा, फिर खोलूँगा रजाई, क्योंकि कम्बल बहुत हल्का है। और उसके बाद में थोड़ी बहुत देर हम देखेंगे मूवी, तो मूवी वगैरह देखते हैं, और जब तक अपना कर लेते हैं फ़ोन चार्ज, फ़ोन में नहीं है बिल्कुल भी बैटरी। भाई रात को यहाँ पर कुछ अजीब सी आवाज़ आती है, अभी भी आ रही है आवाज़, ना तो हवाई जहाज़ की लगती है, ना पता ही नहीं चलता कि चीज़ की, बहुत तेज़ ऐसा लगता है जैसे कुछ ऊपर से कुछ जा रहा है, बहुत तेज़ आवाज़ आती है। क्योंकि यहाँ मैं और भी दिन रुका हूँ, कभी मैंने ऐसी सुना नहीं कि प्लेन विलेन जा रहा है यहाँ से, क्योंकि यहाँ कोई एयरपोर्ट तो है नहीं है।
अब पता नहीं क्या सिस्टम है। तो भाई ये भी एक अलग से एक्सपीरियंस है। ठंड में एक तो फ़ायदा यही है कि अपना कहीं भी सो सकते हैं हम कपड़े ओढ़ के, तो गाड़ी में गर्मी के टाइम में सोना तो यार तुम्हें पता ही है कितना बुरा है। अपना अभी तो फ़िलहाल कोई टेंशन है नहीं है, अभी तो क्या है कम्बल उड़ना है, गाड़ी लॉक हो चुकी है और फ़ोन लगेगा चार्जिंग पे, पूरी रात ऑन रहेगा ये, जब तक चार्ज हो भी जाएगा, क्योंकि फास्ट चार्जर तो है नहीं इसके अंदर में। आज मैं कंट्रोल लेके आने वाला था, आज मामू भांजा गया था मार्केट, तो एक लाइट भी लेके आया हूँ मैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो अभी अगली सुबह हो चुकी है और मैं उठ चुका हूँ बहुत देर का, अभी काम कर रहा था, तो कल नया कांटा लेके आया था, वो भी अभी मैंने कस दिया है। तो भाई ये बिल्कुल तैयार है, इसको भी कस देते हैं, तो मीटर से ड्राम टकराएगा वरना। अभी लग रहा है जाल, मेरी आवाज़ हो रही है बहुत ही ज़्यादा ख़राब। मैं आया हुआ हूँ पीछे, यहाँ देख रहा हूँ भाई इन्होंने लकड़ी भी काट रखी है और ये जड़ तोड़ के निकाली है। अभी सूर्य देव के दर्शन हो चुके हैं, टाइम हो रहा है 8:15 और सामने देखो तो भाई बहुत हल्का हल्का दिखाई दे रहा है और पूरे में कोहरा हो रहा है, धूप का कोई नाम निशान ही नहीं है। जाल अभी यहाँ तक पहुँच चुका है, ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि बहुत, और रात भी मेरे को ठंड लग गई, गले में दिक्कत हो रही है, फिर से दवाई खानी पड़ेगी, क्योंकि मेरा जो सर रहता है ना वो शीशे के ऊपर ही रहता है, बिल्कुल शीशा ठंड हो या गर्मी उसको खींच के नीचे वापस भेजता जरूर है। तो अभी जाल वगैरह लग चुका था और गाड़ी जो है वो जा चुकी है, आज हम लोग यहीं रुकेंगे और ये सारे लोग भी यहीं रुके हुए हैं। अभी है टाइम नाश्ता करने का, तो चाय बन के आ चुकी है, नाश्ता करेंगे। और आज सुबह ही बहुत ही बढ़िया वाली धूप निकली आई है, देख लो भाई अभी टाइम हो रहा है 10:28 और सुबह ही बहुत जल्दी धूप निकली आई, एकदम मौसम साफ हो चुका है। अभी मौसम एक दिन के लिए आया है या कितने दिन के लिए आया इसका तो कुछ कह नहीं सकते, तो भाई फिलहाल भूख बहुत तेज़ लगी है तो नाश्ता कर लेते हैं। अभी अपनी वेशभूषा बहुत ख़राब हो रही है और खाने पीने की जल्दी तैयारी, सब कुछ अभी कट पिट चुका है, पीछे चल रही तैयारी, यहीं पीछे चावल बन रहे हैं, यहीं बनेंगे भी मछली। तो अपने हिसाब से डालनी कभी ना ज्यादा। अभी चल रही है बहुत ही तगड़ी वाली हवा और मैं अभी धूप में लेट गया हूँ और आज बहुत दिन के बाद इतनी खतरनाक धूप निकली है। तो अभी अपना खाना पीना हो चुका है और वीडियो अपनी इम्पोर्ट हो चुकी है और अभी हो भी रही है इम्पोर्ट, और अपने साथ में एक बहुत ही बड़ा बवाल हो चुका है, मेरा फ़ोन इंक में हो रहा है, ये जो पेन है बैक मार चुका है, इसका मतलब मेरे लोवर में इंक इंक हो रही है, इसको साफ़ कर लेते हैं पहले। कल के लिए अभी से ही तैयारी हो रही है, अभी से काम हो रहा है और देख सकते हो अभी सामने, तो इस तालाब की थोड़ी बहुत जो भी मछली बची हुई है वो डल जाएंगी इस वाले गड्ढे में, और अभी वही इसमें सांप आ रहा बहुत स्पीड से भाग के, और कल सुबह इसमें भी लग जाएगा तो दोनों की पूर्ति हो जाएगी, उसमें अभी पड़ी हुई हैं मछलियाँ, आज भी बन गई कल भी बनेंगी। मेरा फ़ोन का कवर हो रहा गंदा तो इसको साफ़ कर लेता हूँ जब तक। मैं तो ना यार रोटी सेकने पे हाथ जल ले। लो जी घुमाओ घुमाओ जी, अब तो सही है, आटा ही पूरा ढल गया। अभी सभी लोगों का बिस्तर लग चुका है, आज का मौसम बड़ा ही साफ़ है, खाना पीना अपना हो ही चुका है और सामने देखो चांद निकल रहा है और रिफ्लेक्शन, पूरा मौसम खुला हुआ है मस्त। तो अभी हो चुकी है रात और अभी है भाई सोने का टाइम, बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ मैं, तो अभी मैं तो गाड़ी में सोऊंगा। तो वीडियो को करते हैं अब यहीं एंड, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय।